दोस्तों हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या कुछ अलग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज हम आपको चाणक्य की उस नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो आइए जानते हैं उस नीति के बारे में। दोस्तों आचार्य चाणक्य का मानना है कि कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का मतलब है कि मनुष्य को दुश्मनी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, खासकर अगर वो दुश्मनी आपने किसी कमज़ोर से की है तो। ऐसा इसलिए क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति इस तरह से घात लगाकर हमला करता है कि सामने वाले के पास बचने का एक भी मौका नहीं होता। असल जिंदगी में कई बार आपने देखा होगा कि लोग उस व्यक्ति पर सबसे पहले हमला करते हैं जो कमज़ोर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला तो कमज़ोर है तो क्या ही उस पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा सोचकर वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। कमज़ोर व्यक्ति इसलिए कमज़ोर नहीं होता क्योंकि उसके पास पैसा या फिर सामने वाले के समान संसाधन नहीं होते। ऐसा व्यक्ति दूसरे के सामने अपनी आवाज़ उठाने से डरता है, लेकिन अगर आप बार बार किसी को अपना निशाना बनाएंगे तो एक दिन सब्र का बांध टूटना निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति जब हमला करेगा तो वो हर उस पहलू की ओर ध्यान देगा जो शायद सामने वाले ने ना दिया हो। वो सामने वाले की कमजोरी के साथ साथ उसके प्लस पॉइंट को भी अपने ध्यान में रखेगा। उस वक्त सामने वाले पर हमला करेगा जब वो इस बात के लिए निश्चिंत हो कि उसकी जीत पक्की है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। दोस्तों आपको यह चाणक्य की नीति कैसी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।